भगवान की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, सभी को सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे सभी अगर गण और मंच के सामने उपस्थित हमारे बिहार प्रांत से सभी गुणगण्य कार्यकर्ता भाई बहन और खासकर माता और बहनों से विशेष निवेदन, वो यहाँ उपस्थित है, निश्चित रूप से वो अभिनंदन के पात्र हैं। और हमारे युवा साथीगण हम सबको आपकी अभिनंदन करते हैं, अपनी बात करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी मुख्य अतिथि आदरणीय मनिस्टर बाबू को सुना। लोगों की बात उन्होंने कही, युग शैली को कैसे होना चाहिए, किस तरह उनका अनुशासन होना चाहिए, उस पर सारी बात करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे मनिस्टर बाबू के बारे में, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे, 32 साल हो गया इनका, इनको रिटायर हुए जितने साल इन्होंने नौकरी की, 32 साल से अनवरत हम समझते हैं शक्तिपीठ में समय देते रहे हैं। 32 साल रिटायर होने के बाद इतना ओजस्वी मान, इतना तेजस्वी मान, इतना ओल्ड टेज होना अपने आप में बड़ी बात। बहुत साधना का जीवन तो रहा है, बहुत ही आंतरिक अनुशासन का जीवन रहा। इनको देख करके निश्चित रूप में हम मार्गदर्शन को पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं। हम चाहेंगे कि अभी भी कोई दवा नहीं लेते और बहुत ही स्वस्थ प्रसन्न चित्त रहते हैं। इनका होना हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इनका कुछ करना महत्वपूर्ण है, इनका होना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एक जोरदार तालियों से हम आगे की बात करते हैं। और जो युवा शैली की बात हो रही थी, युवाओं की बात हो रही थी, प्रांत की युवा चेतना शिविर की बात, जो 21-22 नवंबर को हमारे मिशन के संचालक आदरणीय डॉक्टर साहब का पदार्पण होगा, उस संदर्भ में उन्होंने उनकी सारी बातों को जो सुने, उसके लिए अच्छी व्यवस्था, एक व्यवस्थित व्यवस्था, संतुलित व्यवस्था बने, सुंदर व्यवस्था बने, उसके लिए प्रांतीय कार्यकर्ता की गोष्ठी है। प्रांत सभी मोर्चन यहाँ उपस्थित है, युवाओं की गोष्ठी है या पटना के युवाओं युवा प्रकोष्ठ की गोष्ठी है। इन सब बातों में अपने को मत विभाजित करें, अपने को उधर न रखें। मुख्य रूप से पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम है, मिशन का कार्यक्रम है, हमारे मिशन के जो नेतृत्व करता है उनका आगमन हो रहा है, उसके लिए अपनी मनोदशा को हम किस तरह विकसित करें, इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। युग शैली के अनुशासन की बात करें, युवाओं की बात करें, तो पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे युवा मतलब जो यूथ होता है, फुल ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा से ओतप्रोत, ऊर्जा से भरपूर जो होता है वो युवा होता है। एक बात को कहा करते थे कि युवा में जोश होता है, होश नहीं होता है। होश देने का काम, जैसे हमारे दिनकर जी ने कहा कि पेपर वेट होते हैं, जो बड़े होते हैं पेपर वेट होते हैं, पेपर इधर उधर करके नहीं, उसके लिए वेट का काम करते हैं अनुभवी जो परिजन। तो इस तरह की बातें, जोश को होश के साथ नियोजित करना ही युवा चेतना शिविर का मूलतः कह सकते हैं उद्देश्य है। दूसरी बात, अगर हम लोग कहें युवा जो होते हैं वो अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। उनमें जो शक्ति है, जो ऊर्जा का अगर सही नियोजन हो तो वो तो तेजस्वी बनते ही हैं, ओजस्वी बनते ही हैं। राष्ट्र में हमारा ओजस्वी तेजस्वी बनता चला जाता है, वो कह सकते हैं कि बड़े उपलब्धि को धारण करते हैं अगर ऊर्जा का सही नियोजन हो। अगर ऊर्जा का सही नियोजन नहीं हो तो क्या होगा, ऊर्जा का सही नियोजन नहीं होगा, तो न अपने जीवन का निर्माण कर पाएंगे, न परिवार का निर्माण कर पाएंगे, न समाज का निर्माण कर पाएंगे, न राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। यानी जो उनके अंदर जो प्रतिभा है, जो योग्यता है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका सही सही तरीके से नियोजन। कुछ बोले हमेशा एक बात कहा करते थे कि मनुष्य का जो जीवन है, जो मनुष्य हम बने, हमेशा बोलते थे मनुष्य का जीवन तो सहज है, परंतु मनुष्यता बहुत कठिनता से प्राप्त होगी। तो मानव जीवन में 3 बातें हैं, एक हमारा शरीर है, हमारा हमारे अंदर हमारा प्राण है और हमारा मन है। 3 बातों में अपने व्यक्तित्व का जो है तो आप निर्धारण कर सकते हैं। शरीर है यानी हमारे अंदर जीवनी शक्ति है, क्रियाशीलता है, और प्राण है हमारे अंदर यानी हमारे अंदर भावना शक्ति है, रिश्तों को बनाने का की शक्ति कह सकते हैं। मन है यानी हमारे अंदर चिंतन शक्ति है, विचार शक्ति है, विवेक शक्ति है, कह सकते हैं। यानी मनुष्य है हम, तो हम काम कर सकते हैं, हम रिश्ते बना सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं।
सही सोच सकते हैं। मनुष्य के बारे में कुछ गुरुदेव का बड़ा स्पष्ट था, लेकिन आज का मनुष्य क्या हो गया? कुछ गुरुदेव कहते हैं नर पशु, सभी लोग जानते हैं, पेट और प्रजनन का सीमित रह गया, पेट भरना और बच्चे पैदा करना। फलिस्ता कुछ गुरुदेव मानव जीवन की गौरव गरिमा ने उनके प्रवचनों को आप सुने थे, उसमें कहते थे कि श्री अरविंद की बातों को कोट करते थे कि मैं इसे मेंटल एनिमल, वो कहते थे कि अरविंद कहते हैं कि मैं इसे मेंटल एनिमल, मनुष्य जो है एक दिमागी पशु है। पशु और मनुष्य में बहुत फर्क नहीं है। कुछ गुरुदेव अरविंद श्री अरविंद का उदाहरण लेते थे और कहते थे कि जिस तरह पशु है वो भी खाना खाता है और सेक्स करता है, यही कहते थे। मनुष्य में क्या हो गया, बोलते थे आजकल एक भारत में जुगाड़ी चली है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, बुलेट मोटरसाइकिल है, उसमें ट्रेलर जोड़ दिया, जो सामान हो गया लोगों को बिठा दिया, और अगर उसने हल जोड़ दिया खेत को जोड़ दिया, जुगाड़ गाड़ी आप लोग सभी जानते होंगे सबसे जल्दी की गुरुदेव चाहते थे, बड़ा विस्तार पूर्वक जुगाड़ गाड़ी को समझाया करते थे। आज इस शब्द को सभी लोग जानते हैं जुगाड़ गाड़ी के बारे में, तो कहते थे कि शरीर तो पशु का है, उसने भगवान ने क्या कर दिया है, दिमाग जोड़ दिया जुगाड़ गाड़ी की तरह। पशु भी क्या करता है, खाना खाता है, लेकिन दिमाग लग गया मनुष्य में तो क्या करता है, थोड़ा नमक डाल के खाता है, थोड़ा उबाल के खाता है, थोड़ा मसाला डाल के खाता है, कभी खट्टा खाता है, कभी मीठा खाता है, कभी तीखा खाता है, तो मनुष्य और पशु में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। और दूसरा, बच्चे पैदा करता है, प्रजनन करता है, पशु भी सेक्स करता है, मनुष्य भी सेक्स करता है, दिमाग लगा के सेक्स करता है, छुप छुप के सेक्स करता है। बड़ा स्पष्ट कुछ गुरुदेव इस बात को कहा करते थे कि मनुष्य को बदलने के लिए पृथ्वी जाति पृथ्वी पर घनघोर अंधकार, इसके लिए श्री अरविंद कहते थे कि 200 अगस्त ऋषि जैसे तपस्वी चाहिए, 200 विश्वामित्र जैसे तपस्वी चाहिए, 200 वशिष्ठ जैसे तपस्वी चाहिए। उसके लिए सप्त ऋषियों ने हमें हिमालय बुलाया और हमें साधना करके तपस्या करके मनुष्य जाति के बदलाव के लिए, समस्त मानव जाति के परिवर्तन लाने के लिए, धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए, मनुष्य के देवत्व के उदय के लिए हमने तप किया है। और बेटा तुम लोग श्रेय ले लो और उस काम को करते रहो। श्री अरविंद ने कहा कि 200 विश्वामित्र चाहिए, 200 अगस्त ऋषि चाहिए। अगस्त ऋषि के बारे में आप जानते हो, जब भगवान शिव की शादी हो रही थी कैलाश पर्वत पे, सारे ऋषि देवता और सभी देवगण जब वहां पहुंच गए तो कहा कि भाई उत्तर दिशा दब जाएगा, साउथ मतलब एक कैलाश पर्वत पर हिमालय में सभी लोग रहेंगे, सारी देव शक्तियां, सारे ऋषि सत्ताएं, सारे गंधर्व लोग, किन्नर लोग, वो लोग से सारे लोग वहां पहुंचे हैं, तो पृथ्वी का संतुलन बना रहे। तब भगवान शिव ने अगस्त मुनि को कहा था कि आप दक्षिण भारत में चले जाओ, अकेले आप वहां रहोगे तो पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा, सारे देवताओं की शक्ति एक तरफ, अगस्त मुनि की शक्ति एक तरफ, तो पृथ्वी का संतुलन हुआ था। ऐसा श्री अरविंद कहते कि 200 व्यक्ति अगस्त मुनि जैसा तपस्वी चाहिए जब पृथ्वी का अंधेरा छकेगा। ये कुछ गुरुदेव बड़ी बात कहते हैं, लेकिन ऋषियों ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया कि जनमानस का परिष्कार करना है, धर्म तंत्र के माध्यम से लोक शिक्षण करना है और पृथ्वी का अंधेरा दूर करना है, तो हम लोगों को उस तरीके से काम करना होगा। तब करके उन्होंने रख दिया है, जितना आप सभी जानते हैं, 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, सभी पुराने पंडित हैं, सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन हम लोगों की भूमिका क्या है, इस बात सुन के अच्छा तो लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये बातें सुनना। हम लोग यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, पहले देवताओं का आह्वान करते हैं, क्या बोलते हैं, आवायामी स्थापयामी पूजयामी ध्यायामी बोलते हैं, फिर जब विसर्जन करते हैं तो यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मालाएं मंत्रिन करते हैं, लक्ष्य दर्शन श्रेष्ठ सारे सारे लोग जानते हैं। विसर्जन सब पर कुछ गुरुदेव ने बहुत अच्छी क्या करती है, आप भगवान का विसर्जन तो करते हैं, यज्ञ में अग्नि देवता का विसर्जन तो करते हैं, जितने आवाहित देव अतिथि उनका आप विसर्जन कर देते हैं, लेकिन विसर्जन शब्द का मतलब है अपने अंदर जो है, जो निंदनीय है, जो कह सकते हैं बुरा है, उसका विसर्जन कर पाते हैं। रियल विसर्जन वो हम भगवान को बुलाते तो है, लेकिन विसर्जन का एक अर्थ होता है मन का विसर्जन, अपने अंदर के गंदगी का अगर विसर्जन नहीं किए तो सचमुच आपका कर्मकांड करना, यज्ञ करना सार्थक नहीं होगा, उतना लाभ नहीं होगा कि अपने अंदर का विसर्जन आप करें। विसर्जन में कुछ गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले अपने लोभ मोह अहंकार का विसर्जन करो। आज मनुष्य से पूछिए तो आप कौन है तो बताएंगे कि हम अमुक, मेरा नाम है, इतना उम्र है, अमुक जाति से है, इस पद पर है, तरुण है, युवा है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नारी है, पुरुष है, ये परिचय देते हैं हम लोग।
सामान्य तौर पर जब भी किसी से किसी का परिचय पूछा जाता है तो हम इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये परिचय अधूरा है। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि ये परिचय आपका नहीं है, परिचय आपका अधूरा है कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, आप तरुण है, युवा है, बच्चे है, बालक है या वृद्ध, परिचय आपका आप भूल चुके हैं। आज आपको दुनिया का पता बहुत है, लेकिन हम खुद लापता है इस पर कुछ गुरुदेव हमेशा फोकस करते हैं कि खुद का पता जानने की कोशिश करो। इस सूचना क्रांति के युग में इतने सूचना की बौछार होती है, इतने टीवी चैनल, अखबार और रेडियो, टीवी से हम लोग सुनते रहते हैं और पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं, सूचना का ढेर लगा है, गाजर मूली की तरह ढेर लगा है, जितना अन्न का ढेर लगा रहता है उसी तरह समाचारों का ढेर लगा है। अंतरिक्ष से लेकर के हम आराम तक समुद्र में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, इसकी सूचना हम सब लोग को समाचार सबके पास है, लेकिन हमारा समाचार कौन दे रहा है, क्या इसका पता है, हम कहां खड़े हैं इसका पता है, मनुष्यता कहां खड़ी है इसका पता है। बुद्ध गुरु हमेशा कहते हैं इसका समाचार देने वाला कोई व्यक्ति नहीं, मनुष्यता कहां खड़े, हम कहां खड़े हैं, हमारा समाचार को देने वाला कौन होना चाहिए। गायत्री परिवार इसी काम को करने जा रहा है, गायत्री परिवार मनुष्यता कहां खड़ी है, हम कहां खड़े हैं, आप चिंतन आप विश्लेषण के माध्यम से हम लोग इस काम को कर रहे हैं, यानी हम आप विस्मृति नहीं कर रहे, स्वयं की खोज नहीं कर रहे, अपना अपना अपनी खोज नहीं कर रहे, दुनिया की खोज तो हम कर रहे हैं, लेकिन खुद लापता है, दुनिया का पता मालूम है आप कुछ व्यक्तियों का, लेकिन खुद लापता है, स्व की खोज है युवा चेतना से व्यक्त जो 21-22 को होगा, आप सेल्फ रिसर्च की बात से अपने को सर्च करने की बात है, अपने को खोज करने की बात है, अपने सेल्फ को आप खोजेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वो कहते हैं कि ये होगा कैसे, संभव कैसे युवाओं के लिए, कुछ लोग कहते हैं जैसे हमने कहा मेंटल एनिमल, वो कुछ बोले मानव जीवन की गौरव गरिमा में एक पाश्चात्य राजनीतिक निश्चय उसका उदाहरण देते हैं कि मैं नीचे ब्रिज, मनुष्य एक पुल है, मनुष्य एक ब्रिज है, मनुष्य यानी विचारवान, विचार इसके अंदर ज्यादा है वो मनुष्य, विचारहीन पशु, विचारवान मनुष्य, विचार शून्य देवता, या तो मनुष्य है आप विचारवान है विचारशील है, नकारात्मक विचार है आप दुखी रहेंगे, सकारात्मक विचार है आप सुखी रहेंगे, विचार ही दुख का कारण है, विचार ही सुख का कारण है, कुछ गुरुदेव कहते हैं पुल के पुल पर आप हमेशा ब्रिज पर आप हमेशा नहीं रह सकते, कुछ गुरुदेव कहते हैं ब्रिज पर आप घर बना के नहीं रह सकते, या तो ब्रिज के इस पार पुल के इस पार पशु बन के रहेंगे या पुल के उस पार देवता बन के, या तो विचार ही बन के रहेंगे या विचार शून्य बन के। मानव जीवन की गौरव गरिमा में कुछ गुरुदेव बहुत अच्छी बात करते हैं, इस बात को हम लोगों को पूरी बात समझना चाहिए, विचार ही पशु है और आज लोग पुल पार करना नहीं चाहते, पुल अगर रस्सी का हो नीचे नदी बहती हो तो पुल पर मस्ती नहीं कर सकते, वो पुल पार करना तनाव से भरा हुआ है, या तो इस पार है या उस पार, पशु बनने का आज दुनिया में कहते हैं दो ही आगे, या तो सुधा सुंदरी का या फिर समाधि का, या तो पशु बन के रहिए या फिर ऋषि देवता बन के रहिए, पशु है कोई विचार नहीं है तो कोई पशु नहीं है, क्या होने वाला है, भूकंप आ रहा है, महामारी आने वाली है, जो विचारवान होता है विचारशील होता है वो दुखी होता है, वो परेशान होता रहता है, इस बात को अपनी बात समझे, पशु या तो सुधा सुंदरी है, पशु होने की सुविधा है वहां, विचार जितना आप विचारशील होंगे उतना जल्दी उठेंगे, आप यहाँ बैठे हैं आपको लगता होगा पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन जाए क्योंकि विचारवान है उभरने के लिए विचार चाहिए, उभरता वही है जो विचारवान होगा, और अगर गीता की भाषा में कहे और जो समाधि है वो भी आनंदित है, जो विचारहीन है विचारशून्य है वो भी आनंदित है, विचारहीन जो है वो भी सुखी है, और विचार शून्य है यानी देवता है वो भी आनंदित है। गीता की भाषा में अगर कहे तो दुर्योधन क्या है, विचारहीन, अर्जुन विचारवान, कृष्ण विचार शून्य, दुर्योधन बहुत आसानी से बात करना चाहने के लिए तैयार है, उसके लिए युद्ध करना कोई बड़ी बात नहीं, भगवान कृष्ण के लिए भी युद्ध बहुत क्रीड़ा है, खेल है उनके लिए, लीला है वो भी मस्त है, कहीं दो है तो आप आ जाता है, परेशान कौन है, अर्जुन जो विचार करता है पता नहीं कि हमारे मामा है ताऊ है, दुखी हो रहा है, विषाद में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, निराश हो रहा है, पैर उसके कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, और बोलता है हे कृष्ण हम युद्ध नहीं कर सकते, तो जो विचारवान होता है वही कष्ट में होता है, वही परेशान होता है कि पता नहीं क्या होगा, तो दुर्योधन बंद बीज है, आसानी से बीज को कहीं रख दीजिए कोई मुश्किल नहीं है, कहीं पड़ा रहेगा सालों भर बीज बोने में पड़ा रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ गुरुदेव कहते हैं बीज में भी अंकुरण की स्थिति है, उसमें भी संभावना है, उसमें पॉसिबिलिटी है, मतलब दुर्योधन में भी वो कहते हैं उससे बदलाव आएगा,
सिर्फ कृष्ण क्या है, विकसित बीज है, पूरे वृक्ष जो है पूरा विकसित हो चुका है। अर्जुन क्या है, अंकुरित बीज, अंकुरण हुआ, हवा पानी मिलेगा पता नहीं, फल लगेगा कि नहीं, फूल आएगा कि नहीं। बार बार ये मनुष्य जो है, अर्जुन कौन है, मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व तो करता है गीता में, वो पूरे मानव जाति का प्रतिनिधित्व तो करता है, पता नहीं पूरा वृक्ष बनेगा कि नहीं, फूल लगेगा कि नहीं, फल आएगा कि नहीं, पूर्णता को प्राप्त करेंगे नहीं। तो आज जो हम लोगों की दशा है, सच कहिए तो अर्जुन की दशा है, अंकुरित बीज की दशा है। विचारशील होने के कारण हम बराबर परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं, दुखी रहते हैं। यही है विचार क्रांति अभियान की विचारहीनता से विचार शून्यता तक पहुंचने की यात्रा जो है, ये है विचार क्रांति अभियान, जो कुछ गुरुदेव का अभियान। एक बात इसमें और देखें, विचारहीनता से विचार शून्यता की यात्रा। आज स्मृति की बात हम कर रहे थे, आज हम लोग अपने को भूल चुके हैं। एक तरफ मैंने मेंटल एनिमल की बात करते हैं, पूरी गुरुदेव चाहते हैं मनुष्य एक फटका हुआ देवता है, वो उठा हुआ पशु नहीं है, गिरा हुआ देवता है। मनुष्य की बात हम लोग मानव जाति की बात अगर करते हैं, युवाओं के अंदर जो होश और उसकी बात करते हैं कि शक्ति का अगर सही नियोजन नहीं हो, शक्ति का सही नियोजन होगा तो विकास होगा, शक्ति का भी विकास होगा और शक्ति के द्वारा भी विकास होगा। बहुत अच्छा शब्द है, शक्ति का विकास होगा अगर ऊर्जा का सही नियोजन होगा तो शक्ति का भी विकास होगा और शक्ति के द्वारा विकास होगा। और अगर शक्ति का सही नियोजन नहीं है ऊर्जा का तो वो विनाश करेगा, खुद का भी विनाश होगा, जीवन का भी विनाश होगा, समाज का भी विनाश होगा, राष्ट्र का भी विनाश होगा। इस बात को हम लोग बड़ी भांति समझते हैं और आप लोग भी जानते हैं, बस चेतना को फिर से जागृत करने की बात है। यात्रा की बात हम लोग कर रहे थे, कुछ मुझे कहते हैं कि रास्ते में जिस तरह यात्री चलता है तो पाते भी करते चलता है, रास्ते का खाना लेके चलता है पाते। वंदनीय माता जी जब शादी की टोली निकलती थी, हमारे आदरणीय धर्माजी जी होंगे जो टोली निकलते थे, तो वंदनीय माता जी रास्ते का खाना देती थी और कभी पाते हैं कई दिनों तक खराब नहीं होगा, इसको तुम खाना धूप में आटे को सान करके पूरी बना के दिया जाता था। शांति के दरबार से जो पुराने भजन को जानते थे इस बात को, तो पाते रास्ता में चलने के लिए गुरुदेव सर्व संपत्ति की बात करते थे, उसमें धन भी है लेकिन छह प्रकार की संपत्ति की बात करते थे कि जीवन यात्रा में उसको लेकर के चलोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। और कहते कि जिस तरह नदी अगर रुक जाती, नदी अगर ठहर जाती है तो अपनी शुचिता, अपनी पवित्रता, अपनी पाचकता को खो देती है, उसी तरह मनुष्य जो है अगर ठहर जाता है, रुक जाता है, उसके विचार रुक जाते हैं तो नदी की भांति हो जाता है, वो अपनी शुचिता, अपनी पवित्रता को खो जाता है, गंदे पानी को पाप नहीं किए। जो नदी का पानी है प्रवाह, सतत प्रवाह है जो सागर से जाकर मिलती है और पूर्णता को प्राप्त करती है, उसी तरह जीवात्मा परमात्मा से मिलकर के अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। अगर वो शिष्य है तो अपने गुरु के साथ विसर्जन विलय करते हैं, समर्पण करते हैं, तो हमारी पूर्णता शिष्य की शिष्यों की पूर्णता को हम प्राप्त करते हैं। तो गुरुदेव कहते थे चरणी सब सभी जानते हैं अपने गायत्री प्रमाण द्वारा प्रचलित करते हैं चरणी। कुछ गुरुदेव मानव जीवन की गौरव गरिमा में और बात करते थे कि टाइम मैनेजमेंट करो, समय का प्रबंधन करो, पता चला गैर जरूरी काम 24 घंटे करते रहते हो और जरूरी काम तुम्हारा पीछे पड़ जाता है, इसलिए समय का प्रबंधन करो, समय का नियोजन करो तो जीवन में सब कुछ आप समाज का भी काम कर पाओगे। जिस तरह कहते थे भोजन की शुद्धि किससे होती है, माता जी बताएंगे, माता जी बांधे भोजन की शुद्धि घी से, घी कहते हैं ना जब घर में आते हैं मेहमान तो नहीं थोड़ा सा घी लगा लो, घी अच्छी चीज है, घी को आप करके खाते हैं तो उसकी उसकी प्रकृति बदल जाती है, कच्चा घी है तो आज जो लोग कहते हैं डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि अंदर का टॉक्सिन निकालना हो, हार्ट अटैक नहीं होगा थोड़ा सा एक चम्मच घी आते हैं उससे बनती, जितने डायटिशियन वो भी कहते हैं एक चम्मच कच्चा घी जरूर खाइए। तो घी अन्न की शुद्धि घी से होती है, भाव की शुद्धि भजन से होती है, कुछ गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान की शुद्धि सत्संग से होती है और कर्म की शुद्धि सेवा से होती है और धन की शुद्धि दान से होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, हम लोग गायत्री प्रजनों को इस बात को जानना चाहिए, अन्न की शुद्धि घी से, भाव की शुद्धि भजन से, ज्ञान की शुद्धि सत्संग से और कर्म की शुद्धि सेवा से, धन की शुद्धि दान से। अगर ये हमारे जीवन में नहीं, ये पवित्रता ये शुचिता हमारे जीवन में नहीं है, शुद्धता का भाव, तो फिर जीवन हमारा अपरिष्कृत रह जाएगा, जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा, हम जीवन में अतिरिक्त के अतिरिक्त अधूरे रह जाएंगे। ये शुद्धता को प्राप्त करने के लिए समय दान और अंश दान, ये दो चीज जो आप सब ये भी जानते हैं, समय दान और अंश दान क्या है, एक तरह से अपने सामर्थ्य का नियोजन, अपने शक्ति का कह सकते हैं नियोजन है, अपने साधन का नियोजन है, ये समय दान
उन्नति प्रगति अपना चेहरा चमकाने के लिए फोटो खिंचवाने के लिए भाई पर भाषण देने के लिए मन पर माला पहनने के लिए नहीं करते जब हित सेवा करने कर्म की सुखी सेवा से होगी। अगर हम अपने कर्म को काटना चाहते हैं जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कर्म को काटने के लिए जो तीन चार बातें ना भगवान की संहिता में कहते हैं कि बिना धुएं की अग्नि नहीं होती। अग्नि धुएं से आवृत रहती है, धुएं से घिरी रहती है, इसलिए कोई भी कर्म पूर्णतया दोष मुक्त नहीं हो सकता। एक बात बड़ा ध्यान दें, हमारे गायत्री पर लोग शिकायत करते हैं हम कितना माला जपते हैं, इतना ग्रहण ज्योति बांटते हैं, कितना यज्ञ करते हैं, इतना रुक जाए काम करते हैं, फिर मेरे लिए मन में तुम कष्ट करना इनको आती है। ये बहुत परिजनों के अंदर की शिकायत है। बहुत इस पर तुम जुड़े के बात को सुने, हालांकि मेरा पत्र में हो चुका है, हम लोग 5-8 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे जितना समय निर्धारित किया गया। हम इस पर जरूर बात करना चाहेंगे कि कोई भी कर्म दोष पूर्णतया दोष मुक्त नहीं होता, भले आपका सात्विक कर्म ही क्यों न हो, वो उसमें भी दोष है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि बिना धुएं की अग्नि नहीं होती, अग्नि है तो वहां धुआं भी होगा। आप कितना भी सात्विक भोजन करते हो, मल होता है, मल का विसर्जन तो आप करते, कितना भी सात्विक भोजन करें आपको सुख आए सुविधा है, मतलब आपका कोई नहीं है तो दुख आए कष्ट आए कठिनाई है, यानी आपका पाप नहीं हुआ। आप इतना भी सात्विक काम कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, अग्नि में लकड़ी डाल रहे हैं, कोई ना कोई कीड़ा मारा झूठा हुई पाप कर्म हुआ, 1% भी सात्विक कर्म में भी पाप रहता है, लेकिन कोई पाप भुगतना नहीं चाहता। वो सब सुख चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, नाम चाहते हैं, यश चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, लेकिन कोई दुख कष्ट करना ही अपमान नहीं चाहता जीवन। लेकिन वो जैसे ही पुण्य का सुख सुविधा आपको आप अंधा बैठे हैं बढ़िया खाना खा रहे हैं, मतलब आपका पुण्य का उदय हुआ, यानी उदय हुआ तो उसका पुण्य का क्षरण हो रहा। लेकिन जो 1% भी बैंक बैलेंस पाप का वो खत्म नहीं हो रहा, कभी ना कभी समय अनुसार कर्माशय में कर्म पकेगा पाप कर्म और वो उदित होगा, आपको दुख आएगा, आप कहेंगे हमने किसी को हमको किसी को कोई कठिनाई नहीं पहुंचाई, कोई गलती नहीं की है, फिर हमको क्यों दुख आया, इतना हम बुरी तरह काम कर रहे हैं, कहां हमारे जीवन में परिवर्तन आया। तो कर्म फल को काटते हैं, कर्म का फल सभी को भुगतना पड़ता है, राजा दशरथ को भी भुगतना पड़ा, भगवान की पिता थे उनको भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा, हम लोग एक सामान्य इंसान कर्म का फल भुगते हैं। उसके लिए कुछ गुरुदेव कहते हैं प्राचीन काल से चला आ रहा है प्रायश्चित विधान, ईसाई धर्म में कन्फेस करते हैं पादरी के सामने अपने दुख को, आप अपने पाप कर्म को सिर्फ स्वीकार करते हैं तो वैचारिक स्तर पर प्रतीत होता है, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति में प्रायश्चित विधान कर्म के स्तर पर जो अपने अंदर अपराधिक चेतना उसका कह सकते हैं निष्कासन होता है प्रायश्चित के माध्यम से। तो एक नया व्यक्तित्व उभर के आता है, व्यक्तित्व का कह सकते हैं पुनर्निर्माण होता है प्रायश्चित के माध्यम से। कुछ गुरुदेव जब नंदावन दिवस से सत्र आप करते होंगे शांति कुंज में, एक टॉपिक प्रतिदिन सुबह का होता था कर्म फल और प्रायश्चित विधान पर एक टॉपिक भी शांति कुंज में बताया जाता था कि आप प्रायश्चित करें। जो ज्ञानी जन होते हैं वो अपनी सजा खुद तय करते हैं कि हमने क्या गलती की है और सजा को भुगतते हैं, प्रायश्चित करते हैं, नहीं आप तय करते आपको बाहर से अपमान मिलेगा, आपको कष्ट कठिनाई मिलेगी कि मेरा बेटा ऐसा क्यों होगा, तो हम इतना मेहनत करते हैं उस बदले में हमको रिटर्न रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, इतना कष्ट क्यों है, इतना बीमार क्यों है, इतना हमारा घरेलू उलझन क्यों बढ़ा हुआ, आपकी कष्ट क्यों है। तो पाप हम भुगतते नहीं, पाप का विसर्जन नहीं करते, उसको काटने के लिए बात है, हम कर्म करते हैं। कई लोग यहाँ बैठे हैं सब गुरु का काम करते हैं, एक से मोथन पूरे बिहार के लोग घेर दो, लेकिन जरा आप चिंतन आप विश्लेषण करें इस गोष्ठी में कि आप किस उद्देश्य से करते हैं। कुछ गुरुदेव ने कहा कि तीन तरह के कर्म होते हैं, कर्म अकर्म और विकर्म। कर्म है आप कर रहे हैं, कर्म बनता कैसे था इस पर सोचिए, आप उस विचार किए सोचे संकल्प किए फिर उसको क्रिया में परिणत किए तो आपका अच्छा या बुरा कर्म होगा। अगर आपने किसी को मार दिया सोचा कि नहीं ये मेरा दुश्मन है अब इसको गोली मार देंगे इसकी हत्या कर देंगे आपका आप पाप लगेगा कर्म बनना, लेकिन आप रास्ते में चल रहे एक चींटी दब गई मृत्यु तो वहां भी हत्या वहां भी, लेकिन वो कर्म नहीं बनेगा क्योंकि आपके अंदर वो भाव नहीं है उसको मारेगा। मूल बात है आपका भाव कैसा, आपकी भावना कितनी परिष्कृत है, कितनी संतुलित है, ये देखने की बात है कितनी शांत है। हम लोग कर्म कर रहे हैं, नहीं आप यज्ञ करने जा रहे हैं, एक सेठ अगर किसी गरीब को खाना खिला रहा है हम दूर से देख रहे हैं कितना भला आदमी है और वो खाना खिलाने जा रहा है, बहुत सेवा भावी है, बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ा परोपकारी, लेकिन उसके मन में अगर ये भाव है कल मेरा कार नाम कटेगा तो वो कर्म अकर्म नहीं बनेगा, निष्काम कर्म नहीं
सेवा का स्वान हुआ, सेवा का ठकुसला हुआ, आडंबर हुआ, दिखावा हुआ। इस बात को अगर गायत्री परिवार नहीं समझता, निश्चित रूप में महाराज प्रसाद भी रहेगा। आप सेवा को सेवा के भाव से ले, कहते हैं व्यापार करे बुद्धि से, सेवा करे दिल से। बुद्धि में अगर व्यापार में अगर आप दिल लगाते हैं तो व्यापार में घाटा होगा, और सेवा में अगर आप दिमाग लगाते हैं तो उससे भी बड़ा घाटा होगा। सेवा करते समय दिमाग का उपयोग न करें, सेवा में दिल से सेवा करें, तो कर्म की शुद्धि होगी। इस बात को समझेंगे तब मानव से महामानव, देव मानव बनने की बात होगी। मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन अपराजय सत्ता, जो हमेशा कभी पराजय को नहीं स्वीकार। लेकिन आप तो हम हैरान परेशान है, हमारे अंदर कुंठा है, बेचैनी है, हैरानी है, परेशानी है, हम गुणहीन है, हम कहा सकते भावहीन हो चुके हैं, हम पराजय को स्वीकारते हैं, चारों तरफ से हम दुखी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज का वृद्धि होगी, इसलिए भी तनाव ज्यादा हो गया। ये टॉक्सिन है, एक विकलता हमारे अंदर अगर निरंतर बनी रही, हमारे अंदर एक जहर पैदा होगा, एक कह सकते हैं टॉक्सिन विकार पैदा होता चला जाएगा। उसको दूर करने के लिए ही सत्संग की जरूरत पड़ती है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको सत्संग का लाभ मिलता है। बहुत श्रावण मास बीता, पिता श्रावण मास मतलब सुनने का, गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना। ये चार महीना जो चतुर्मास जिसको कहते हैं, आठ महीना कहते हैं ना, जिसको